चलो स्टार्ट करने का। चलो तो क्या चालू है अपना अभी? वर्क वर्क पावर एनर्जी में वर्क हो गया है, राइट। वर्क ड्यू टू वेरिएबल फोर्स का न्यूमेरिकल्स कल करेंगे। आज थोड़ा जो कल स्टार्ट किया था वही देखेंगे आगे। एनर्जी का थोड़ा थ्योरी स्टार्ट किया है वही आगे देखेंगे। तो क्या देखा था? फर्स्ट एनर्जी इज स्केलर। फर्स्ट पॉइंट क्या देखा था? एनर्जी इज स्केलर। एनर्जी का फिर यूनिट देखा था। एनर्जी के यूनिट के बाद क्या हुआ? मास रिमेन्स कॉन्स्टेंट, मास इज कंजर्व। आइंस्टाइन के पहले क्या पता था कि मास इज कंजर्व, मास कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कैन नॉट बी क्रिएटेड। बट आइंस्टाइन क्या बोलने लगा? आइंस्टाइन बोलने लगा कि मास कैन बी डिस्ट्रॉयड एंड कैन ऑल्सो बी क्रिएटेड फ्रॉम एनर्जी। मास डिस्ट्रॉय हो गया तो एनर्जी जनरेट होता है, मास डिस्ट्रॉय हो गया तो एनर्जी जनरेट होता है। एंड एनर्जी से हम लोग मास जनरेट कर सकते हैं। मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास। ऐसा किसने बोला? आइंस्टाइन ने बोला। तो रिलेशन क्या है उनके बीच में? ई इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर, ठीक है। इसका और थोड़ा डिटेल में एटम्स मॉलिक्यूल्स एंड न्यूक्लियाई चैप्टर में है, जो कि 12th में लास्ट क्लास में होगा। उसमें इसका और थोड़ा डिटेल में है, मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। एप्लीकेशन कैसा रहता है, क्या रहता है, ओके। देन एनिहिलेशन ऑफ मैटर, उसके बाद एनिहिलेशन ऑफ मैटर एंड फेयर प्रोडक्शन चल रहा था वो देखिए। ठीक है, तो फेयर प्रोडक्शन एंड एनिहिलेशन में क्या है? देखो तो अगर वन, ये अलग थोड़ा बताओ, वन एएमयू मास कन्वर्ट होता है एनर्जी में। वन एएमयू मतलब एटॉमिक मास यूनिट। वन एएमयू उसका यूनिट क्या रहता है? यू रहता है। दिखाते वक्त कैसा दिखाते हैं? यू दिखाते हैं बस, लेकिन क्या रहता है वो? एएमयू रहता है, एटॉमिक मास यूनिट। तो वन एटॉमिक मास यूनिट जब पूरा का पूरा एनर्जी में कन्वर्ट होता है तो कितना एनर्जी प्रोड्यूस होता है? 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स प्रोड्यूस होता है। कितना एनर्जी प्रोड्यूस होता है? 931। वन एएमयू मतलब वन प्रोटॉन के मास के आसपास रहता है। वन एएमयू मतलब कितना रहता है? वन प्रोटॉन के मास जितना भी है उसके आसपास रहता है, या फिर एक न्यूट्रॉन का जो मास रहता है, एक न्यूट्रॉन का, उसके आसपास वन एएमयू का वैल्यू रहता है, ठीक है। 1/12 ऑफ एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, डेफिनेशन कुछ तो हुआ था, 1/12 ऑफ एटॉमिक मास ऑफ कार्बन वो रहता है, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो गया एनर्जी में तो इतना एनर्जी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये अलग बताया, इससे कुछ रिलेटेड नहीं था। पेयर एनिहिलेशन, पेयर प्रोडक्शन से ये कुछ रिलेटेड नहीं है, ठीक है। एक्स्ट्रा पॉइंट है याद कर। तो पेयर एनिहिलेशन मतलब क्या होता है? एक मिनट, है
पेयर एनिहिलेशन मतलब क्या होता है? तो पेयर एनिहिलेशन में इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन कोलाइड होता है पेयर एनिहिलेशन. एनिहिलेशन मतलब डिस्ट्रॉय होना. एनिहिलेशन मतलब डिस्ट्रॉय होना. इधर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन. पॉजिट्रॉन क्या होता है? मैंने कल बोला था पॉजिट्रॉन इज एग्जैक्टली सेम एज इलेक्ट्रॉन, मास सेम, बट चार्ज क्या रहता है? ऑपोजिट. इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव रहता है तो पॉजिट्रॉन पे चार्ज क्या रहता है? पॉजिटिव. इस पे चार्ज नेगेटिव है तो इस पे चार्ज क्या है? पॉजिटिव चार्ज है. ठीक है. और दोनों का मास एग्जैक्टली क्या रहता है? सेम. तो ये इलेक्ट्रॉन जैसा रहता है, बस चार्ज पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिट्रॉन है. इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन आता है ऐसा ऐसा आता है, कोलाइड मारता है. और कोलिजन के बाद क्या होता है? फिर कोलिजन के बाद पूरा उसका मास वैनिश होता है. जो भी इलेक्ट्रॉन का मास है वो पूरा वैनिश होता है. और क्या प्रोड्यूस होता है? और प्रोड्यूस होता है एनर्जी. और एनर्जी किस फॉर्म में रहता है? फिर रेज के फॉर्म में. एनर्जी किस फॉर्म में रहता है? रेज के फॉर्म में. ठीक है. तो इधर से ये इनका कोलिजन होता है, मास वैनिश होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होता है. और एनर्जी किस फॉर्म में बाहर निकलता है? रेज के फॉर्म में, गामा रेज के फॉर्म में. तो जितना मास गया उतना एनर्जी प्रोड्यूस होता है. एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना एनर्जी प्रोड्यूस करता है. तो दो इलेक्ट्रॉन जितना मास इतना एनर्जी प्रोड्यूस करता है, दिस इनटू टू. तो एक गामा रे का इतना एनर्जी, दूसरे गामा रे का इतना एनर्जी, इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है. तो इतना एनर्जी वाला गामा रेज प्रोड्यूस होता है. ठीक है. पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है? पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है? तो ये गामा आता है, गामा रे आता है और न्यूक्लियस पे अटैक करता है. गामा रे आता है और किसी भी एटम के न्यूक्लियस पे जाके कोलाइड होता है, एब्जॉर्ब होता है उधर न्यूक्लियस में. और फिर न्यूक्लियस में से ये दोनों प्रोड्यूस होते हैं. न्यूक्लियस में से ये दोनों प्रोड्यूस होता है. तो इतना एनर्जी का गामा रे चाहिए, इतने इसका डबल टाइम्स. ये जितना एनर्जी है इसका डबल टाइम्स, ये मल्टीप्लीकेशन करके इधर लिखा. तो इतना एनर्जी का गामा रे गया तो उतना एनर्जी का इक्विवेलेंट मास प्रोड्यूस होता है. इतना एनर्जी का गामा रे इधर कोलाइड मारता है तो उतने एनर्जी का इक्विवेलेंट मास प्रोड्यूस होता है. तो कितना मास प्रोड्यूस होता है? एक इलेक्ट्रॉन का मास एंड एक पॉजिट्रॉन का मास प्रोड्यूस होता है. इसको बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन. गामा आता है और गामा का एनर्जी क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन. इधर इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन वैनिश होता है और एनर्जी प्रोड्यूस होता है. ठीक है. चलो कल लिखा है ना पूरा, नहीं लिखा है तो लिख के ले लो कल. अगर ये नहीं लिखा है, कल बोला था मैंने लिख के ले लो, अगर नहीं लिखा है तो लिख के ले लो. अरे कब ज्वाइन कर रहे हो लेक्चर? अब लेक्चर, बच्चे कुछ कुछ बच्चे अब लेक्चर ज्वाइन कर रहे हैं. 15 मिनट्स बाद, 20 मिनट बाद लेक्चर ज्वाइन करते हैं और 20 मिनट पहले लेक्चर बंद करते हैं. कुछ कुछ बच्चे 20 मिनट बाद लेक्चर चालू कर रहे हैं, 20 मिनट पहले बंद कर रहे हैं. तो बीच में क्या कर रहे हैं? मिनिमाइज करके गेम खेलते. अरे थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दो, करना पड़ेगा पढ़ाई. हो गया पूरा? नेक्स्ट क्या है? देखो काइनेटिक एनर्जी का दिया है. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर है. फिर वर्क एनर्जी थ्योरम, उसमें क्या है? वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. उसमें क्या है? वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. देखिए ये ऑलरेडी हुआ है. काइनेटिक एनर्जी फ्रेम पे डिपेंड करता है क्या?
काइनेटिक एनर्जी फ्रेम पे डिपेंड करता है क्या? तो करता है, काइनेटिक एनर्जी फ्रेम पे डिपेंड करता है, ठीक है। जिस फ्रेम में ऑब्जेक्ट है उस फ्रेम के ऊपर काइनेटिक एनर्जी रहता है। तो कैसा देखो, ऐसा यहाँ पे कार है, यहाँ पे कार है, ऐसा जा रहा है, ठीक है। तो कार के अंदर क्या है, एक लड़का है एंड कार के अंदर एक लड़की है, ठीक है। तो उनका कुछ तो चल रहा है कार के अंदर, ठीक है। उनका कुछ तो कार के अंदर चल रहा है, मतलब डिस्कशन वगैरह चल रहा है, कुछ ऐसा कुछ नहीं, डिस्कशन चल रहा है उनका, मतलब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कैसा अप्लाई करने का वगैरह, पढ़ाई का डिस्कशन चल रहा है उनका, ठीक है। तो ये बॉय का मास, लड़के का मास कितना है, 50 किलोग्राम है। लड़के का मास कितना है, 50 किलोग्राम है। एंड ये व्हीकल जा रहा है कितने वेलोसिटी से, 10 मीटर पर सेकेंड से ये व्हीकल जा रहा है। ये व्हीकल इस डायरेक्शन में जा रहा है, कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, तो 10 मीटर पर सेकेंड से ये इधर जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर एक इस लड़की की मां इधर खड़ी है, मतलब देख रही है लड़की किधर जा रही है, क्या है, पढ़ाई करने के लिए जा रही है क्या, और कुछ करने के लिए जा रही है। और लड़की की अम्मा इधर खड़ी है, उसको हम लोग नाम देंगे एम, ठीक है। तो कंपेयर्ड, अभी दोनों को काइनेटिक एनर्जी अलग अलग दिखता है। इस एम को, इस बॉय का काइनेटिक एनर्जी कितना दिखेगा, इस एम को बॉय का काइनेटिक एनर्जी कितना दिखेगा, हाफ इंटू बॉय का मास इंटू उसका वेलोसिटी। अभी कार जितनी वेलोसिटी से जा रहा है उतना ही वेलोसिटी बॉय को भी रहेगा, तो बॉय का वेलोसिटी कितना है, 10 का स्क्वायर। तो ये काइनेटिक एनर्जी अम्मा को लगेगा, ओके। लड़की के अम्मा को इसका काइनेटिक एनर्जी कितना लगेगा, तो इतना लगेगा। लेकिन लड़की को काइनेटिक एनर्जी कितना लगेगा, काइनेटिक एनर्जी मतलब केड़ी, काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या रहता है, केड़ी रहता है। तो लड़की को इसका केड़ी कितना दिखेगा, लड़की को इसका केड़ी कितना दिखेगा, तो हाफ एम स्क्वायर, वही सेम फॉर्मूला है, हाफ एम स्क्वायर। तो हाफ का हाफ, मास कितना है, मास 50 है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू लड़की उसका वेलोसिटी कितना है, जीरो, हाँ सही है ना। विद रिस्पेक्ट टू लड़की इस बॉय का वेलोसिटी कितना है, अभी लड़की और बॉय एक साथ ही भाग रहे हैं, तो रिलेटिव टू लड़की बॉय का वेलोसिटी कितना है। लड़की को लगेगा मैं भी अंदर, मैं मेरे पास में लड़का है अभी उधर ही है, इधर आगे जा भागने रहा, उसका वेलोसिटी लड़की को क्या लगेगा, जीरो लगता है, रिलेटिव वेलोसिटी। इसको लगता है अम्मा को इसका वेलोसिटी 10 है लड़की को, लेकिन इसका वेलोसिटी लगता है 0, अंदर ही है ना वो। अभी मुझे क्या लगता है, मेरे सामने ये लैपटॉप है, मुझे इस लैपटॉप का वेलोसिटी कितना लगता है, 0 लगता है। एक्चुअली लैपटॉप को भी वेलोसिटी है, दोनों भी हम लोग अर्थ पे है, लैपटॉप भी अर्थ पे है, मैं भी अर्थ पे हूँ, दोनों भी एक साथ घूम रहे, लैपटॉप भी ऐसा घूम रहा है अर्थ के साथ, मैं भी घूम रहा हूँ, लेकिन मुझे लैपटॉप स्टेशनरी दिखता है। वैसे ही लड़की को या उसका बॉय क्या लगेगा, उसका बॉय मतलब उसका बॉय है क्या नहीं मुझे पता नहीं, वो बॉय क्या लगेगा, स्टेशनरी लगेगा। तो लड़की को ये बॉय का वेलोसिटी 0 लगेगा। तो विद रिस्पेक्ट टू लड़की केड़ी है, कुछ है क्या, है ही नहीं। विद रिस्पेक्ट टू लड़की, इस लड़के को कुछ केड़ी वगैरह है क्या, है ही नहीं। लेकिन विद रिस्पेक्ट टू अम्मा, लड़के को केड़ी है, ठीक है, समझ रहा है, ओके। तो इससे क्या पता चलता है, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन फ्रेम। चलो एग्जांपल लिखो और ये लिखो, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन फ्रेम विद रिस्पेक्ट टू एम, विद रिस्पेक्ट टू, इसको एल बोलेंगे हम लोग, विद रिस्पेक्ट टू एल, विद रिस्पेक्ट टू एल केड़ी, विद रिस्पेक्ट टू एम केड़ी कितना है, ओके। चलो देखो,
उसके नीचे सेंटेंस लिखो इंपॉर्टेंट क्या, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रेम, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वैष्णवी शाहू कॉलेज चालू हुआ क्या, नहीं हुआ क्या, हो गया? लातूर का कॉलेज चालू है क्या, नहीं है अभी? नहीं नहीं अब तू नहीं जाने वाली पता है मुझे, लेकिन वो अच्छा है, वेरी गुड, अच्छा डिसीजन लिया है, लेकिन चालू हो गया क्या, नहीं हुआ? अरे कौन है, दयानंद चालू हो गया क्या? ठीक है, ठीक है, देखेंगे देखेंगे कैसा होता है। जय क्रांति भी चालू हो गया, तेरे को पूरा लातूर का पता है ना राठौर? चलो हो गया, नेक्स्ट देखो अभी इंपॉर्टेंट सेंटेंस लिखा क्या, काइनेटिक एनर्जी केई डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिखा। लातूर में ही है, ठीक है ठीक। ठीक है ठीक है, ओके चलो चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो क्या, रिलेशन बिटवीन लिखो, नेक्स्ट लिखो रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम क्या रहता है, लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू रूट ऑफ टू इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी। Linear momentum is equal to root into 2 into mass into kinetic energy. ठीक है, ये रिलेशन है, क्या रहता है, P is equal to root of 2 into mass into kinetic energy, क्या रहता है, half mv square, kinetic energy क्या रहता है, half mv square, तो 2 2 cancel, m m m square v square, तो root कितना आता है, mv, तो P is equal to mv, तो P is equal to mv तो रहता है, तो P momentum and kinetic energy इनका relation क्या रहता है, ऐसा P is equal to root 2 mv, ठीक है, चलो लिखो फटाफट ये वाला relation important, proof लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो मत लिखो, ये लिखो momentum and kinetic energy इनका relation, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एक एग्जांपल करेंगे, एक एग्जांपल करेंगे क्या है,
वेलोसिटी ऑफ अ कार, एक कार है, वेलोसिटी ऑफ अ कार इज 10 मीटर पर सेकेंड एंड इट्स मास इज 500 किलोग्राम. वेलोसिटी ऑफ अ कार, चलो लिखो, वेलोसिटी ऑफ अ कार इज 10 मीटर पर सेकेंड. वेलोसिटी ऑफ अ कार इज 10 मीटर पर सेकेंड एंड इट्स मास इज 500 केजी. एंड इट्स मास इज 500 केजी. इतना वेलोसिटी है, इतना मास. ठीक है. ब्रेक्स आर अप्लाइड, ब्रेक्स आर अप्लाइड, ब्रेक्स आर अप्लाइड, फुल स्टॉप. ब्रेक्स आर अप्लाइड, ब्रेक्स आर अप्लाइड. टोटल फोर्स बिकॉज ऑफ ब्रेक्स, चलो देखो, टोटल फोर्स बिकॉज ऑफ ब्रेक, टोटल फोर्स बिकॉज ऑफ ब्रेक्स इज टोटल फोर्स बिकॉज ऑफ ब्रेक्स इज 200 न्यूटन. टोटल फोर्स मतलब ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद कार पे कुछ तो रिटार्डिंग फोर्स लगेगा, कार पे कुछ तो रुकने रोकने वाला उसको रिटार्डिंग फोर्स लगेगा. तो कितना रिटार्डिंग फोर्स लगता है कार पे, तो 200 न्यूटन. ठीक है, तो क्या है फोर्स बिकॉज ऑफ ब्रेक्स, फोर्स बिकॉज ऑफ ब्रेक्स इज 200 न्यूटन. फोर्स बिकॉज ऑफ ब्रेक्स इज 200 न्यूटन. फोर्स बिकॉज ऑफ ब्रेक्स इज 200 न्यूटन. Then find out distance. Then find out distance traveled by car before it stops. Then find out distance traveled by car before it stops. Find out distance traveled by car before it stops. Find out distance traveled by car before it stops. ठीक है, चलो देखो क्या है क्वेश्चन. चलो चलो इधर इधर सब लोग देखो. तो क्वेश्चन क्या है, वेलोसिटी कार का दिया है, मास दिया है. अब ब्रेक्स लगाने के बाद ब्रेक उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगाता है. ब्रेक क्या करता है, कार पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है. इतना बिकॉज ऑफ दिस फोर्स कुछ टाइम के बाद, कुछ डिस्टेंस के बाद कार स्टॉप्स. तो वी हैव टू फाइंड आउट दिस डिस्टेंस आफ्टर विच कार स्टॉप्स. ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं. यस इज इक्वल टू ये नहीं, तीसरा इक्वेशन. कौन सा इक्वेशन चलता है, ये चलता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस. ये इक्वेशन अप्लाई करने के बाद डिस्टेंस कितना गया कार मिलता है, फाइनल वेलोसिटी कितना है कार का, इधर कुछ तो रहेगा लेकिन फाइनली कितना वेलोसिटी रुकने वाला है, फाइनल वेलोसिटी जीरो. इनिशियली कार का वेलोसिटी कितना है, 10 है, तो 10 का स्क्वायर प्लस इनटू प्लस 2 इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट प्लस 2 इनटू एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन क्या है, 2 इनटू एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन कितना है, फोर्स डिवाइडेड बाय मास. एक्सेलरेशन कितना है इसका, फोर्स डिवाइडेड बाय मास. फोर्स कितना है, 200 divided by mass कितना है, 500. force divided by mass या acceleration into displacement कितना है, वही तो निकालना है. मैं displacement को x पकड़ा हूँ तो इसलिए मैं x लिखा. इसको solve करने का निकालने का तो distance मिल जाएगा, distance after which car stops. ठीक है, जो भी आता है, जो भी आता है. ठीक है, second method भी है. चलो देखो इधर, चलो चलो बाद में calculation करो, पहले देखो इधर. इसके लिए और एक मेथड है, सेकेंड मेथड है. इसके लिए और एक मेथड है, सेकेंड मेथड. तो इसमें क्या करना है देखो, इसमें वो अपना वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करेंगे, इसमें अपना वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करेंगे. तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, तो वर्क डन मतलब क्या रहता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. वर्क डन क्या रहता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स कितना है, 200 इनटू
डिस्प्लेसमेंट कितना है x, x बोला है ना, लेकिन ये वर्क डन माइनस रहेगा, वर्क डन माइनस रहेगा क्यों, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, लेकिन फोर्स ब्रेक का इधर है, कार इधर जा रही है और फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए इधर आके कार रुक पाए, तो फोर्स का डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए वर्क माइनस है, ठीक है, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज का मतलब क्या रहता है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, फाइनली काइनेटिक एनर्जी लास्ट में, काइनेटिक एनर्जी कितना है, जीरो है, वेलोसिटी जीरो होता है तो काइनेटिक भी जीरो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ, मास कितना है उसका 500 इनटू वेलोसिटी 10 का स्क्वायर, माइनस माइनस जाएगा, तो इसको सॉल्व करो या फिर इसको सॉल्व करो, आंसर तो सेम आने वाला है, ठीक है, चलो करो, बोलो कितना आ रहा है, बोलो कितना आता है, बोलो, इसका फॉर्मूला भी दिया है एररलेस में, राइट, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला एररलेस में दिया है, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन है कि फॉर्मूला क्यों रट्टा मारने का, इतना इजी है तो फॉर्मूला क्यों चाहिए, इजी है, ठीक है, चलो करो, दोनों से सॉल्व करो, कितना वैष्णवी, फिर पहले कैसा गलत आया, आंसर सही आना चाहिए, माइनस नहीं आता रे शुभम, शुभ माइनस नहीं आता, प्लस आता, इधर लफड़ा किया है थोड़ा, इधर मैंने लफड़ा किया इसलिए माइनस आता होगा, क्या लफड़ा किया है, एक्सेलरेशन माइनस है ना, इधर रिटार्डेशन है ना, कार इज गोइंग टू स्टॉप, वेलोसिटी ऑफ कार इज डिक्रीजिंग, देयरफॉर एक्सेलरेशन क्या है, माइनस है, ये माइनस पार्ट है, इसलिए ये माइनस, ये माइनस, ठीक है, तो प्लस आता है, नहीं नहीं जादव का करेक्ट है, साठे का गलत है, दो वैष्णवी है लेक्चर में, क्लास में बहुत सारा वैष्णवी है, क्लास में बहुत सारी वैष्णवी है, अभी इलेवेंथ में दो है, ट्वेल्थ में एक है, रिपीटर में एक है, जो कि मुझे पता है, मुझे अननोन भी कुछ हो सकते हैं, मतलब ऑफलाइन में बहुत सारे बच्चे रहते तो मुझे सबका नाम पता नहीं रहता, ये ऑनलाइन कितने वैष्णवीज लेक्चर कर रहे हैं, फोर, बहुत सारे वैष्णवीज है क्लास में, चलो हो गया क्या, हाँ बहुत कॉमन नेम हो गया, चेंज करने का क्या नेम, नाम चेंज करने का क्या, चलो चलो और क्या करेंगे, और ऐसा भी क्वेश्चन आता है इसमें, इसी में और क्या आता है, देखो फाइंड आउट टाइम आफ्टर विच कार स्टॉप्स, चलो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट टाइम आफ्टर विच कार स्टॉप्स, इसमें और एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन होता है, फाइंड आउट टाइम आफ्टर विच कार स्टॉप्स, चलो लिखो, ठीक है, तो काइनेमेटिक्स का इक्वेशन यूज करके फाइंड आउट करो, फाइंड आउट टाइम आफ्टर विच कार स्टॉप्स, तो कितना टाइम के बाद कार रुकता है, काइनेमेटिक का इक्वेशन यूज करके फाइंड आउट करो, चलो कौन सा इक्वेशन यूज करना है, फर्स्ट सेकंड या थर्ड, काइनेमेटिक का कौन सा इक्वेशन यूज करना है, कौन सा इक्वेशन करना, बोलो सेकंड करने का, फर्स्ट किया तो भी चलता है ना, सेकंड का क्यों जरूरत है, सेकंड डिफिकल्ट जाएगा इक्वेशन अप्लाई करने को, फर्स्ट करो चलता है,
सेकेंड भी चल सकता है, फर्स्ट इजी जाएगा। B is equal to u plus at. Final velocity कितना है कार का? That we know. Initial velocity also we know. Acceleration is force by mass. So we can find out time after which car stops. चलो निकालो। Time दो आया है क्या? दूसरा equation बोल रही है क्या? बोल रही है। चलो निकालो time. दूसरा भी एक इसमें method है, वो भी बोलता हूँ। इससे निकालो। चलो कितना 25 आ रहा है, ठीक है तो आता होगा। क्या करने का? कार का फाइनल वेलोसिटी कितना है? जीरो है। कार का फाइनल वेलोसिटी कितना है? जीरो है। कार का यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 10 है। प्लस एक्सेलरेशन कितना है? फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए माइनस। फोर्स डिवाइडेड बाय मास, तो फोर्स 200 का डिवाइडेड बाय मास कितना? 500 का इनटू टाइम। सॉल्व करने का टाइम निकलता है, ठीक है। अब एक अलग मेथड बताता हूं, ये भी तुम लोगों को पता है लेकिन तुम लोग ज्यादा यूज नहीं करते तो इसलिए नया लग सकता है। देखो क्या है, क्या कर सकते हैं हम लोग? तो इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, क्या रहता है? फोर्स इनटू टाइम, ये इंपल्स रहता है। तो इंपल्स क्या रहता है? इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इनटू मोमेंटम रहता है, ठीक है। तो इसके ऊपर ब्रेक का फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है, इसके ऊपर ब्रेक्स का फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है फॉर फ्यू सेकेंड्स। तो उस टाइम में जाके कार रुकता है, ठीक है ना। कार के ऊपर ब्रेक अप्लाई किया तो ब्रेक का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में कार काम करता है, तो कार के ऊपर फोर्स काम कर रहा है फॉर हाउ मेनी सेकंड्स? फ्यू सेकंड्स। एंड आफ्टर दैट कार स्टॉप्स। तो फोर्स इनटू टाइम मतलब इंपल्स, इंपल्स मतलब क्या रहता है? चेंज इन मोमेंटम। तो फोर्स कितना है कार पे? तो कार पे फोर्स है 200 का। कितना टाइम के बाद, कितना टाइम तक ये फोर्स एक्ट होता है? कार पे ब्रेक लगाया हमने तो कार पे ये फोर्स कितने टाइम तक एक्ट हो रहा है? जब तक कार रुकता नहीं तब तक, मतलब कितना टाइम? वही तो टाइम निकालना है। तो फोर्स, ब्रेकिंग फोर्स इनटू टाइम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। तो मोमेंटम चेंज, तो मोमेंटम चेंज क्या? पहले मोमेंटम कितना था माइनस, बाद में कितना हो गया? चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम कैसा है? पहले मोमेंटम कितना था? 500 × 10। फाइनली मोमेंटम, फाइनली वेलोसिटी जीरो होता है तो मोमेंटम भी जीरो होता है। फाइनली वेलोसिटी जीरो होता है तो मोमेंटम भी जीरो होता है। तो जो पहले मोमेंटम है वही है, फाइनल मोमेंटम तो जीरो है। तो चेंज इन मोमेंटम इतना आ जाएगा। तो इससे भी टाइम निकालो वही आएगा, ठीक है। इससे भी टाइम निकालो वही आएगा। इधर थोड़ा साइन कन्वेंशन का मुझे देखना पड़ेगा। देखो इधर क्या है, ऐसा करना पड़ेगा, फोर्स को माइनस लेना पड़ेगा नेगेटिव, एंड मोमेंटम फाइनल माइनस मोमेंटम इनिशियल।
फोर्स को माइनस लेना पड़ेगा क्योंकि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो ये हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं ना, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन हम लोग पॉजिटिव है ले रहे हैं, तो उल्टा डायरेक्शन नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो फोर्स है नेगेटिव इनटू टाइम, ये है मोमेंट, इंपल्स इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंट, चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल मोमेंटम जीरो है, इनिशियल मोमेंटम कितना है m into v, तो m into 10, ठीक है, सॉल्व करने का आ जाएगा। t is equal to mv by f चलता है ना, तो वो डायरेक्ट फॉर्मूला रट्टा मत मारो, ऐसा अंडरस्टैंड करके काम करो, ये इसके लिए बोल रहा हूँ। अभी अच्छा क्वेश्चन पूछा खान, अच्छा क्वेश्चन पूछा। अभी ये चल रहा है अपना वर्क पावर एंड एनर्जी चैप्टर चल रहा है, ये अपना वर्क पावर एंड एनर्जी चैप्टर चल रहा है, समझेगा, लेकिन इजी चैप्टर है, मतलब समझने के लिए इजी है, सॉल्व करने के लिए डिफिकल्ट है, समझने के लिए इजी है, तो देखते रहे थोड़े दिन में तो पूरा समझने लगेगा। ठीक है देखते जा लेक्चर, धीरे धीरे समझेगा, अभी नया है तो क्या कर, थोड़े दिन के, थोड़ा दिन लेक्चर नहीं समझ रहा तो बंद मत कर, अभी लेक्चर देखना चालू करो, तुम लोगों ने पहले, बहुत लोगों ने पहले लेक्चर देखा ही नहीं 6-7 months, अभी देख रहे तो क्या होता है, समझ नहीं रहा तो और वापस छोड़ दे रहे, ऐसा मत करो, देखते रहो, थोड़े दिन के बाद समझना चालू होता है। हो गया कह रहे, इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला दिया है, एररलेस में डायरेक्ट फॉर्मूला मत यूज करो, अंडरस्टैंड करके करो तो थोड़ा अच्छा रहेगा, ठीक है। चलो वापस एक बार कनेक्ट करो, फिर आगे देखेंगे, रिपीट एक बार कनेक्ट करो लेक्चर को, फिर आगे देखेंगे।